पारंपरिक सीट चक्रधरपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसका आज ऐलान किया और इसी के साथ ही उनकी दूसरी सीट से लड़ने की तमाम अटकलों पर भी विराम लगा। आपको बता दें कि चक्रधरपुर से बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने दावा ठोका था। लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि आजसू उनके गठबंधन का पुराना साथी है और आजसू के सम्मान का भी ध्यान रखा जाएगा। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते सबका इच्छा होता है चुनाव लड़ना। कहां से लड़ेंगे, सरायकेला या चक्रधरपुर? नहीं नहीं नहीं, जब जब लड़ना ही होगा तो चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र हमारा पुराना विधानसभा है, उसी को ही पसंद करेंगे। इनक्रोचमेंट लक्ष्मण गिलुआ नहीं कर पाए। आयसू के साथ कल बहुत लंबा बातचीत हुआ है, सम्मानजनक सीट उसको मिलने जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सहयोगी दल रहा है, हमारा मित्र दल रहा है, इसलिए उसका भी सम्मान समाज में बना रहे, उसी आधार से सम्मान दोनों का रहे, भारतीय जनता पार्टी का भी रहे, आयसू का भी रहे। महागठबंधन में सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी को मनाने के लिए हेमंत सोरेन ने रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात की। करीब एक घंटे तक चली मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने लालू का आशीर्वाद मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कुछ सवाल हैं, उन्हें सुलझाने के लिए कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने की बात कही। उनके जो कुछ सवाल हैं, उन सवालों को लेकर हमारी भी चिंताएं हैं और इसके लिए हमारे गठबंधन के साथी जो हैं उनसे हम आगे और बात करेंगे और निश्चित रूप से वो हमारे गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, इसका हम पूरा आश्वस्त करते हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं और इस जंग को जीतने का आशीर्वाद हमें आदरणीय लालू प्रसाद जी से हमने ले लिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मतभेद की खबरों के बीच कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी ने प्रतिक्रिया दी, जहां एक ओर कांग्रेस और जेएमएम ने सीट शेयरिंग पर किसी भी तरह के विवाद से इनकार किया और कहा कि एक दो सीटों को लेकर आरजेडी को परेशानी है जिस पर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसे दूर कर लिया जाएगा। वहीं आरजेडी ने विश्रामपुर, मनिका और गढ़वा की सीट को लेकर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की। बदली का कुछ बात है, वो भी मुझे लगता है आज किसी भी समय सुलझ जाएगा। तो हम लोगों में कोई विवाद नहीं है, आरजेडी में भी कोई विवाद नहीं है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने स्पष्ट बोल दिया कि गठबंधन होगा, नेता हेमंत सोरेन जी रहेंगे और जो फॉर्मूला जो घोषणा की गई है वही रहेगा, यथावत रहेगा। एकाध सीट का आगे पीछे कुछ अदला बदली होने की संभावना है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लालू प्रसाद यादव हमेशा सेक्युलर ताकतों की हिमायती रहे हैं और गठबंधन कई बार उन्होंने बनाया है और देखा है, इसलिए लालू प्रसाद जी से गठबंधन को कोई नुकसान हो ये हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। जब हमारा आधार है विश्रामपुर में, हमसे ज्यादा आधार है क्या? तो हम लोगों ने दो दो बार कांग्रेस के लिए सीट छोड़ा है लेकिन हारे हैं, तो इस बार उनको छोड़ना चाहिए था, बरकट्ठा में उनका है। तो ये आज भी स्थिति ये बन रहा है कि यदि वो चाहते हैं कि महागठबंधन में, तो विश्रामपुर छोड़ दे कांग्रेस और बरकट्ठा लड़े। हम लोग बरकट्ठा में अपने आदरणीय नेता से बात करेंगे कि बरकट्ठा